हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा, हिंदी परख चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया और उसके भेद। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। पतंग उड़ता है, यहाँ पर उड़ता है सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया है। और ये जो है पतंग कर्ता के स्थान पर आया है। पतंग उड़ता है में अगर हम बालक लिखते हैं, बालक पतंग उड़ाता है, तो यहाँ बालक कर्ता हुआ। और ये जो पतंग करता है यह कर्म के स्थान पर आ गया, कर्म में रूपांतरित हो गया। और ये उड़ता है जो अकर्मक क्रिया है वह सकर्मक क्रिया में रूपांतरित हो गया, बदलाव आ गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ट्रैक्टर चलता है, तो यहाँ ट्रैक्टर क्या हुआ, ये कर्ता हुआ। चलाता है, चलता है क्या हुआ, अकर्मक क्रिया है। यहाँ लिखते हैं किसान ट्रैक्टर चलाता है, तो किसान क्या हुआ, ये कर्ता हुआ। ट्रैक्टर क्या हुआ, कर्म। चलाता है सकर्मक क्रिया, किसान ट्रैक्टर चलाता है, यह कर्म के स्थान पर आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया बनती है तो वह सकर्मक क्रिया में बदल जाती है। तो उड़ता है का उड़ाता है सकर्मक क्रिया हुआ, चलता है का चलाता है यह क्या हुआ, सकर्मक क्रिया, यह चलता है अकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, एक प्रश्न उठता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ हम देख रहे हैं चलना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा चलवाना, उड़ना का उड़ाना उड़वाना, पढ़ना का हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया प्रथम पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा पढ़वाना, पीना का हो जाएगा पिलाना और पिलवाना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो चलना उड़ना अकर्मक क्रिया है, पढ़ना पीना सकर्मक क्रिया है। और ये अकर्मक क्रिया हो या सकर्मक क्रिया, जब वह प्रेरणार्थक क्रिया में रूपांतरित होती है तो वह सकर्मक क्रिया ही होती है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भी सकर्मक है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी सकर्मक है। तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं। बच्चा सोता है, यहाँ पर सोता है क्या है, यह अकर्मक क्रिया है। माँ बच्चे को सुलाती है, यहाँ पर क्या है, यह सुलाती है, यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अप्रत्यक्ष कर्म में किसको प्रश्न करते हैं, किसको सुलाती है, तो जवाब मिल रहा है बच्चे को। तो यहाँ बच्चे को जो है वह कर्म है, तो क्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बच्चा रोता है, यहाँ रोना अकर्मक क्रिया है। श्वेता बच्चे को रुलाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे को यहाँ कर्म है तो रुलाती है, यह सकर्मक क्रिया है। हिरण दौड़ता है, बाघ हिरण को दौड़ाता है, तो दौड़ता है यह अकर्मक क्रिया है। दौड़ाता है किसको, तो हिरण को, तो यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया है। वह जागता है, जागना अकर्मक क्रिया है। माँ बच्चे को जगाती है, यह सकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में रूपांतरित कब होती है, जब वह प्रेरणार्थक क्रिया में बदलाव आ जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है और कार्य करने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है माँ बच्चे को सुलाती है, यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि माँ की प्रेरणा से बच्चा सो रहा है। श्वेता बच्चे को रुलाती है, श्वेता की प्रेरणा से बच्चा रोने का कार्य कर रहा है। बाघ हिरण को दौड़ाता है, बाघ की प्रेरणा से हिरण दौड़ने का कार्य कर रहा है। माँ बच्चे को जगाती है, माँ की प्रेरणा से बच्चा जगने का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार प्यासे को पानी पिलाता है, तो यहाँ पर जो है यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और इसे हम इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जितने ये सब जो वाक्य हैं यह क्या है, यह प्रथम
प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं कि राजू श्रीवास्तव दर्शकों को हंसाते हैं, यह भी क्या हो जाएगा, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या बताया गया, कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होते ही वे कार्य करने की प्रेरणा देता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। यहाँ पर क्या है, उदाहरण से समझते हैं कि प्यासा पानी पीता है, हमने बताया कि अकर्मक हो या सकर्मक, वह प्रेरणार्थक क्रिया में रूपांतरित होने पर वह सकर्मक क्रिया में ही बदलाव आता है। तो यहाँ प्यासा पानी पीता है, यहाँ सकर्मक क्रिया है, और सेठ नौकर से प्यासे को पानी पिलवाता है, सेठ नौकर से प्यासे को पानी पिलाता है, तो पानी पिलाने का कार्य सेठ नहीं कर रहा है, इस कार्य में वह सम्मिलित नहीं है, किसको प्रेरणा दे रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो नौकर को। तो यहाँ पिलवाता है क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पिलवाता हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अगला उदाहरण से हम देखते हैं, दर्शक हंसता है, तो यहाँ पर हंसना सकर्मक क्रिया है, और यहाँ पर जो है राजू श्रीवास्तव दर्शकों को हंसाते हैं, यह तो प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हुआ, फिल्म निर्देशक राजू श्रीवास्तव से दर्शकों को हंसवाते हैं, यहाँ पर जो फिल्म निर्देशक है वह स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं है, राजू श्रीवास्तव को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दर्शक हंसने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी अकर्म क्रिया है जिसका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बनता है, जैसे आना जाना पाना चाहना रुकना रुचना। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।